Hey guys and welcome to episode 6 of Power Ranger Marathon. और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे Power Ranger Lost Galaxy को. So let's start. Welcome to A Squad. Make sure to subscribe. आज आपके साथ डिस्कस करेंगे Power Ranger Lost Galaxy को. लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारी बाकी के पावर रेंजर मैराथन के एपिसोड जरूर चेकआउट करिए. तो चलिए अब शुरू करते हैं. तो पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी ये शो रिलीज हुआ 1999 में और अगर बात करें तो इसमें टोटल 45 एपिसोड्स देखने को मिले. इसी के साथ अगर बात करें तो ये शो कंटिन्यूएशन में नहीं था बाकी के पुराने पावर रेंजर सीरीज से. मतलब ये शो पूरा ही एकदम नया था. इसमें सारे कैरेक्टर नए थे, पूरी कास्ट नई थी और स्टोरी भी एकदम नई थी. तो पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी के इवेंट शुरू होते हैं पावर रेंजर इन स्पेस के एक साल बाद, जहां हमें देखने को मिलता है दुनिया पर एक नया खतरा है जिसका नाम है स्कॉर्पियस और वो बहुत ही खतरनाक है. अब इनसे बचने के लिए हमें एक नए पावर रेंजर की टीम चाहिए. तो नई पावर रेंजर की टीम हमें देखने को मिलती है पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी. यहाँ हमें देखने को मिलता है लियो, काय, डेमोन, माया, कैंड्रिक्स, माइक और ये सब मिलके स्कॉर्पियस के मिनियन से लड़ने लगते हैं. लेकिन ये देखकर स्कॉर्पियस का जनरल फ्यूरो गुस्सा हो जाता है और वो हर चीज को स्टोन्स में बदलने लगता है. तभी माइक अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है और अपने दोस्तों को बचाता है. इसके बाद माइक का क्वाशर सेबर मिलता है लियो को और वो बनता है गैलेक्सी रेड रेंजर. इसके बाद हमारे न्यू जॉर्ड्स गैलेक्टा बीस्ट की मदद से हमारे रेंजर प्रोटेक्ट करते हैं टेरा विंटर को फ्रॉम स्कॉर्पियस और उसके जर्नल से. और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कमाल का वॉरियर जिसका नाम होता है मैग्ना डिफेंडर. वो मिलता है हमारी पावर रेंजर की नई टीम लॉस्ट गैलेक्सी से. और फिर हमें पता चलता है कि उसके बेटे जीका को स्कॉर्पियस ने बहुत पहले मार दिया था, तो इसी का बदला लेने के लिए वो आया होता है. इसके बाद हमारा मैग्ना डिफेंडर अपनी पावर्स माइक को दे देता है जो हमारा पुराना रेंजर रहता है, ताकि वो अपने दोस्तों की मदद कर सके. और इसी के बाद माइक बनता है न्यू मैग्ना डिफेंडर. और अगर आप चाहते हैं कि हम मैग्ना डिफेंडर पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं. तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स को. तो सबसे पहले हमारे पास है लियो द रेड रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी. लियो कॉर्बेट है रेड रेंजर और लीडर पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी का और ये यंगर ब्रदर है माइक कॉर्बेट का. तो अगर बात करें तो लियो अपने भाई और अपनी फैमिली के साथ अर्थ पर कंफर्टेबली एंजल ग्रोव में रहता था. अगर बात करें तो लियो बहुत ही अच्छा लीडर है, साथ ही ये बहुत ब्रेव भी है. अगर बात करें तो इसने मेन विलन स्कॉर्पियस को अकेले ही हरा दिया था. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे ब्लू रेंजर काई चेन की. अगर बात करें तो ये है सेकंड इन कमांड हमारी गैलेक्सी रेड का. अगर बात करें तो हमारा ब्लू रेंजर एक स्किल्ड फाइटर है, साथ ही ये अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. और साथ ही अगर बात करें तो ये एक अच्छा दोस्त है केंड्रिक्स मॉर्गन का. तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रीन रेंजर डेमोन हेंडरसन की. ये हमारा ग्रीन रेंजर है फ्रॉम लॉस्ट गैलेक्सी. अगर बात करें तो ये अपनी जॉब को बहुत ही सीरियसली लेता है. अगर बात करें तो हमारे ग्रीन रेंजर को बहुत ही कमाल की नॉलेज है एस्ट्रो शिप के बारे में, जो कि टीम को बहुत ही मदद करती है. साथ ही ये एक स्किल्ड बॉक्सर भी है जो इसको लड़ने में मदद करता है. तो अब नेक्स्ट हमारे पास है येलो गैलेक्सी रेंजर माया. तो बात करें तो हमारी येलो रेंजर एक कमाल की टीम मेंबर थी और साथ ही ये पूरी टीम को जोड़कर रखती थी. और अगर साथ ही बात करें तो माया एक स्किल्ड फाइटर भी थी. इसके बाद बात करते हैं हमारी पिंक रेंजर केंड्रिक्स मॉर्गन के बारे में. ये थी हमारी गैलेक्सी पिंक रेंजर और बात करें तो शी डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी. और इसके बाद पिंक रेंजर की पोजीशन मिलती है कैरोन को. और अगर हम कैरोन की बात करें तो ये हमारी फॉर्मर विलन रह चुकी है एस्ट्रोनोमिया के नाम से. ये हमें पावर रेंजर इन स्पेस में भी देखने को मिली थी. तो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्ना डिफेंडर. ये एक बहुत ही कमाल का वॉरियर था. अब बात करें तो इसकी बहुत ही कमाल की दुश्मनी थी स्कॉर्पियस के साथ, क्योंकि स्कॉर्पियस ने इसके बेटे और इसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था. लेकिन इसके बाद हमारी मैग्ना डिफेंडर की पावर मिलती है माइक को और माइक को मिलने के बाद माइक बनता है लॉस्ट गैलेक्सी का मैग्ना डिफेंडर.
अगर बात करें तो माइक हमारा रेड रेंजर होता है, लेकिन वो अपनी रेड रेंजर की पोस्ट को छोड़ता है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके और अपना रेड रेंजर की पावर देता है अपने भाई को। तो चलिए अब आगे विलन्स को डिस्कस करते हैं। तो हमें देखने को मिला स्कॉर्पियस, ये था इसमें मेन विलन हमारी लॉस्ट गैलेक्सी पावर रेंजर्स में। साथ ही बहुत ही पावरफुल था और इसने हमारे मैग्ना डिफेंडर के प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय किया था और उसके बेटे को भी मारा था, इसी वजह से मैग्ना डिफेंडर इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो चलिए पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी के कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इनकी कॉस्ट्यूम लगभग सिमिलर थी, लेकिन अगर हेलमेट की तरफ ध्यान दे तो इनके हेलमेट में कुछ कमाल की यूनिक डिटेल्स थी। तो अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर 2। ऑल्दो इसमें हमें पुराने सीजन्स के रेफरेंस देखने को मिले, लेकिन ये सीरीज बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और ये कंटिन्यूएशन में नहीं थी पुरानी सीरीज के। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप चेकआउट कीजिए हमारे पुराने एपिसोड्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।